वेलकम टू ग्रेडाई फायर। आज के वीडियो में हम एक और ईमेल के ऊपर चर्चा करेंगे जो आईएफई ने भेजी है, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे अक्टूबर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान में किस किस जगह पर एग्जाम होंगे और किन जगह पर एग्जाम नहीं होंगे, इस ईमेल में काफ़ी हद तक वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आईएफई ने ये लिखा है कि इंडिया के अंदर बेसिकली हमको पता होगा 3 ब्रांचेस चलती हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो जो मुंबई और चेन्नई वाली जो ब्रांचेज हैं, इनमें तो एग्जामिनेशन नहीं होंगे अक्टूबर 2021 के। स्पष्ट हो चुका है कि ना मुंबई में एग्जाम होंगे और ना चेन्नई वाली ब्रांच में एग्जाम होंगे। अब सिर्फ एक ब्रांच बचती है जो कि है दिल्ली ब्रांच, और इस ब्रांच में भी एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए जो हमारी दिल्ली ब्रांच है, जो उसको चलाते हैं हमारे वहां पे जो सीनियर्स हैं, उनका अभी आईएफई के साथ बातचीत चल रही है। एक दो हफ्ता इसमें लगेगा, जैसा इन्होंने बताया कि 2 हफ्ते का समय अभी लगेगा इस चीज को क्लियर करने में कि दिल्ली में भी एग्जाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी तक की सिचुएशन को देखें तो ऐसा लगता है कि 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम नहीं होंगे। एक तो कारण ये कि 3 ब्रांचेस थी, 3 में से 2 पे तो एग्जाम नहीं हो रहे, अब एक ही बची है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि शायद इस ब्रांच में भी एग्जाम ना हो पाए। और दूसरा कारण यह भी बनता है कि जितने भी दिल्ली ब्रांच के हमारे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने डायरेक्ट फीस पे की हुई है यूके को, अपना फॉर्म सबमिट किया हुआ है, अपने बैंक की डिटेल दी हुई है, किसी एक कैंडिडेट की भी अभी तक भी फीस डिडक्ट नहीं हुई। आज 5 अगस्त हो चुकी है, अभी तक भी किसी भी स्टूडेंट की फीस डिडक्ट आईएफई ने नहीं की। तो दो ये कारण बनते हैं, एक तो बाकी 2 ब्रांचेज में एग्जाम नहीं हो रहे, दूसरा दिल्ली वालों की भी फीस अभी तक डिडक्ट नहीं की गई। तो 95% से ज्यादा चांसेस तो ये है कि दिल्ली में भी एग्जाम शायद ना हो, लेकिन आप अपनी तैयारी जरूर करके रखिएगा। अब यहां पे एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए आप मुंबई ब्रांच से हो या चेन्नई ब्रांच में एग्जामिनेशन देने की आपकी तैयारी थी अक्टूबर में, तो किसी भी कारण से मुझे नहीं लगता कि आईएफई जो है वो आपकी बुकिंग दिल्ली ब्रांच के लिए एक्सेप्ट कर लेगी। मान लीजिए दिल्ली ब्रांच में एग्जाम हो जाए, तो आप मुंबई या चेन्नई ब्रांच के अगर कैंडिडेट हो, तो इस चीज की बहुत कम संभावनाएं बचती हैं कि आपको दिल्ली ब्रांच में शिफ्ट किया जाए। तो आपके लिए तो एग्जामिनेशन अब मार्च 2022 में ही होगी, जो 31 मार्च और 1 अप्रैल को 2022 में कंडक्ट की जाएगी। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं जो इस ईमेल से और स्पष्ट होता है। पहले हम लोगों को शायद ऐसा फील आता था कि अगर एक ब्रांच में पेपर नहीं होगा तो शायद बाकी किसी भी ब्रांच में पेपर ना हो, लेकिन इस ईमेल से एक चीज तो क्लियर होती है कि आईएफई जो है वो कंट्री वाइज नहीं काम करती, आईएफई अपनी ब्रांच वाइज काम करती है। एक देश में 3 ब्रांचे हैं, 2 में एग्जाम बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन तीसरी पे अभी भी डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं कि एग्जाम कराएं या ना कराएं। पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हो भी सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरा कंट्री वाइज ये तीनों ब्रांचेस को नहीं देखते, इंडिविजुअल ब्रांच अगर कंडक्ट करा सकती है तो वहां एग्जाम होने की संभावना बनती है, बेशक उसी देश की बाकी कोई भी ब्रांच अपने एग्जाम कंडक्ट ना भी करवाए। तो एक चीज को हम लोग भविष्य के लिए भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी एग्जाम अगर मान लीजिए किसी एक ब्रांच में कैंसिल भी होता है किसी भी कारणवश, तो बाकी ब्रांचेस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर ब्रांच जो है इंडिविजुअली ऑपरेट करती है। अगर आपने अक्टूबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए दिल्ली ब्रांच चूज की थी और आपकी पेमेंट यूके वालों ने डिडक्ट कर ली है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हो सकता है किसी एक कैंडिडेट की अगर फीस डिडक्ट हो गई तो फिर सभी कैंडिडेट्स की होगी भी, और फिर यहाँ पे एग्जाम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी फीस डिडक्ट हुई है तो जरूर बताना, इससे बाकी लोगों को भी बहुत जल्दी इस चीज की सूचना मिलेगी कि दिल्ली में आखिर एग्जाम होंगे या नहीं। अदरवाइज तो हफ्ते दो हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।